ऑटोमेटिक गाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मिथ मार्केट में फैला हुआ है कि ऑटोमेटिक गाड़ियां खुद से गियर सेलेक्ट करती हैं, हमें कहीं भी ओवरटेकिंग करनी है एकदम से रेस चाहिए। मैनुअल गाड़ी में तो हम खुद से गियर डाउन कर सकते थे, लेकिन इसमें नहीं कर सकते, बड़ा रिस्की हो जाता है भाई। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, इतना बेवकूफ तो कंपनियां भी नहीं है। ऑटोमेटिक गाड़ियों में सारी कमांड आपको दी जाती है आपके एक्सेलरेटर पैडल पे। इस तरह से ट्यूनिंग की जाती है कि आपका एक्सेलरेटर पैडल को दबाने के तरीके को वो सेंस कर लेता है कंप्यूटर, और भाई गियर अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट कर देता है। जैसे आप देखो, मैं आराम से दबा रखा है, गाड़ी आराम से चल रही है, अगर यही मुझे सडनली एकदम से ओवरटेक करना है, रेस ज्यादा चाहिए, गियर तो है नहीं जो मैं कम कर दूं, तो भाई मैं तुरंत से जो एक्सेलरेटर पैडल उसे दबा दिया। ये देखो आरपीएम एकदम बढ़ गए हैं, गियर एक डाउन हो गया है। अब आरपीएम ऊपर ही चलते रहेंगे क्योंकि मैंने जो पैडल है वो दबा के रखा है, और वहीं मैं उसे रिलीज कर दूंगा, सॉफ्ट हो जाऊंगा उसकी तरफ, तो वो एकदम से गियर बढ़ा देगा। तो इस तरह से सेटिंग की जाती है आपके सारी कमांड जो है वो एक्सेलरेटर पैडल में। बहुत सही चीज है, एक बार चला लोगे तो आराम से आइडिया लग जाता है सारी चीजों का।